नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल लव यू रेस्टोरेंट गार्डन में, जहाँ पे मैं अभी आपका स्वागत करता हूँ। ये आज मैं सेम का पौधा लगा रहा हूँ जो मैंने बनाना पिल फर्टिलाइजर में डिप करके ग्रो किया था। काफ़ी अच्छे से देखिए ग्रो हो गया था। ये बीन्स वैरायटी हैं, इसमें बीन्स की अपेक्षा काफ़ी भारी बीन्स होती हैं। बीजों की संख्या ज़्यादा अधिक होती है और जो फली है वो काफ़ी छोटी और एकदम भरी हुई, खूब सारी लदी हुई काफ़ी वेट में आती है, इसलिए ये वैरायटी मैं लगा रहा हूँ। बाकी ग्रीन और वाइट जो वैरायटी होती है, वाइट सेम और ग्रीन सेम, उससे डिफरेंट है ये। ये आपको बीन्स जैसे होती हैं उस तरह वैरायटीज आपको मिल जाएंगी। चलिए इसे लगा लेते हैं। सावधानी पूर्वक इसकी जो पन्नी है अलग कर लेना है। या आप छोटे कप में ग्रो कर रहे हैं, कोकोपीट में ग्रो कर रहे हैं, उसे अलग करके लगा लेना है। इस तरह अलग ग्रो करके लगाते हैं तो आसानी से उसकी देख रेख हो जाती है और अच्छे से पौधा डेवलप हो जाता है। चलिए इसे लगा लेते हैं। अभी ये वैरायटी पता नहीं चलेगी, कुछ दिन बाद इसमें अंतर दिखने लगेगा ही कि ये कौन सी वैरायटी है सबसे डिफरेंट देने लगी। अभी सेम का पौधा जैसे दिखता है नॉर्मली वैसे ही दिख रहा है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और इस तरह अपना प्यार बनाए रखें और हमें सपोर्ट करते रहें। ये देखिए कुछ प्रकार लग गया है। अब इसमें इस तरह पानी डाल देते हैं। मिलते हैं कुछ दिनों बाद। ये देख सकते हैं आप, नॉर्मली जो पौधा होता है उसकी जो ये डंडी बीच वाली होती है, शाखा होती है, वो रेड कलर की नहीं, ग्रीन कलर की होती है और ये बिल्कुल रेड कलर की है। बीन्स वैरायटी है। देखिए काफ़ी बड़ा मेरा पौधा हो गया है। ये आप देख सकते हैं इस तरह में, या इस तरह आप मंडप बना के इस तरह लगा सकते हैं पौधा। ये आसानी से ग्रो हो जाएगा। बरसात के सीज़न के बाद आप ये पौधा ज़रूर लगा लें। बारिश के मौसम लगाते हैं तो दिसंबर तक इसमें शूटिंग होने लगेगी। ये देखिए मेरा पौधा कितना बड़ा हो गया है। इस तरह आप मंडप बना के पौधे को डेवलप कर सकते हैं। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट